मेकअप लवर्स, वेलकम बैक टू सुपर लुक्स। बात करने वाले हैं इनसाइड का प्रो कंसील पैलेट। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इसका हर कलर का यूज कैसे किया जाता है, तो आज मैं आप लोगों को शो करने वाली हूँ कि इसमें जो कलर है उन सबका कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज होता है। मैं ये भी बताऊंगी, डोंट वरी, आपको डेमो भी दूंगी, फुल ट्यूटोरियल अच्छे तरीके से समझाऊंगी। इसके अंदर आपको बहुत सारे शेड्स मिलते हैं, कंसील, करेक्ट, कॉन्टोर, सारे शेड्स मिलते हैं। लोगों को बता दूं कि इनसाइड कॉस्मेटिक एक इंडियन ब्रांड है, इंडिया में ही बनता है और ये एक इंडियन प्रोडक्ट है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो चाइनीज एंड ऑल के बारे में, बहुत सारे लोग इंडियन ब्रांड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो दिस इज इंडियन ब्रांड। अफोर्डेबल होने के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा मैजिकली वर्क भी करता है एंड ये न्यू प्रोडक्ट है। अभी वन ईयर हो चुके हैं इसको, तो आई थॉट कि काफी टाइम से यूज कर रही हूँ तो अपने व्यूअर्स के साथ इसको शेयर किया जाए। सो पैकेजिंग कुछ इस तरह की है इसकी, आप देख सकते हो यहाँ पे पैकेजिंग है, डिट्टो ऐसे ही दिखता है। और यहाँ पे पीछे सारे इसके प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट और इसके बारे में लिखा हुआ है, लाइक क्या काम करता है। और वाटरप्रूफ क्रीम कंसिस्टेंसी है, पाउडर कंसिस्टेंसी नहीं है इसकी। और बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है। जो प्राइस है वो 210 है, बट डिस्काउंट्स आर ऑलवेज अवेलेबल। आप नायका से परचेज कर सकते हो, कहीं भी परचेज कर सकते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, देर आर मेनी वेबसाइट्स। मैंने इसको नायका से परचेज किया था क्योंकि मुझे लगता है नायका पे मुझे जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, सो दैट्स वाई आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो। बात करते हैं कि कैसा दिखता है, तो अगर आप इस पैकेजिंग को खोलोगे ना तो इस टाइप का है ये। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये जो प्लास्टिक है, बट दिस इज प्लास्टिक एंड आप ऐसे करके खोलोगे, कहीं भी लेके जाओगे तो आप गिरने का कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही सेफली यहाँ पे आपने ऐसे लगाया और ऐसे किया, बंद हो गया एंड आपने ऐसे घुमाया, खुल गया। सो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका गिर भी जाता है ना तो ये जल्दी खुलता नहीं है, टूटता भी नहीं है। ये टूट सकता है लेकिन अंदर का प्रोडक्ट आपको लॉस नहीं होगा। सो दिस इज डेफिनेटली अमेजिंग, पैकेजिंग इज वेरी गुड। तो आपको अलग अलग से ये सारे शेड्स परचेज करने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे वीडियोज को शेयर करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो बात करते हैं कि ये सारे कलर्स किन किन काम में आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीच के कलर से। ये जो बीच का कलर है सबसे ज्यादा यूज होने वाला कलर है। इस कलर को आप यूज कर सकते हो अपने डार्क सर्कल एरियाज पे, लाइक यहाँ आईज के ऊपर डार्क सर्कल्स होते हैं वहां पे यूज कर सकते हो। सो ये कलर बहुत ज्यादा यूज होता है पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। ये कलर करेक्टर के काम आता है। बहुत सारे मेकअप जो करते हैं लोग, मेकअप जो होते हैं, मेकअप करने वाले लोग होते हैं ना, वो इस कलर करेक्टर का ज्यादा यूज करते हैं जिनके चेहरे पे पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स होते हैं उनके लिए। उसके बाद दिस कलर, ये ग्रीनिश कलर जो है, ये बहुत ज्यादा जो गोरे लोग होते हैं उनके चेहरे पे लाल लाल से पिंपल्स या समथिंग हो जाते हैं, तो उनके लिए यूज होता है। सो ऑल द कलर्स आर हाईली पिगमेंटेड। मैं आपको डेमो भी दिखाती हूँ। सो दिस आर क्रीम कॉन्टोर। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का है, क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर है इसका, यू कैन सी। सो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पे कलर करेक्ट कर सकते हो इस एरिया पे एंड दिस विल डेफिनेटली वर्क। आपको कलर करेक्ट करके थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना, उसके बाद आपको फाउंडेशन, कंसीलर जो भी अप्लाई करना होगा अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद ये जो ग्रेनिश कलर है ये भी बहुत ही हाईली पिगमेंटेड है, आप देख सकते हो। इसको भी अगर मैं शेड इसका, यू कैन सी दीज आर वेरी पिगमेंटेड। और ये पिंपल्स को हाइड करने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो इसमें से मैंने ग्रेनिश शेड लिया, मेरे यहाँ पे एक तिल है हाथ पे, मैं इसको आपको हाइड करके दिखाती हूँ। सो या ये हाइड हो गया कम्प्लीटली। इसके ऊपर अगर आप मेकअप एंड कंसीलर कर दो तो ये कम्प्लीटली हाइड हो जाएगा। सो एंड बात करते हैं ये ब्राउन कंटोरिंग करेक्टर के बारे में। तो ये एक कंटोरिंग के काम आता है। इससे आप कंटोर, ब्राउनिश कलर का है, आप यहाँ पे लाइक दिस, यू कैन सी द डिफरेंस, कंटोर हो गया यहाँ पे एंड यहाँ पे नहीं। सो ये कंटोरिंग के काम आता है। एंड ये जो हमारा लाइट येलो टाइप का है, लाइट कलर, सबसे ज्यादा लाइट कलर है ये, आपके कंसीलर के काम आता है हाईलाइट करने के, आपके हर एरिया को। लाइक अगर आपको अपने यहाँ पे
यू नो नोज को हाईलाइट करना है लाइक दिस, सो इट वर्क्स एज हाईलाइटर फॉर यू। अब देख सकते हो ये हाईलाइट करके आप इसको ब्लेंड कर सकते हो और डेफिनेटली ये हाईलाइट हो जाता है। सो यू कैन सी हियर। एंड ये जो पर्पल शेड है इसका बहुत कम यूज होता है, सबसे ज्यादा कम यूज होने वाला शेड है इस कलर करेक्टर के अंदर। इसको यूज करते हैं हम स्किन जब आपकी डल डल टाइप होती है ना, तो आप उसमें यूज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि सारे कलर्स का यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं। सो आई होप मैं उन लोगों का डाउट क्लियर कर पाई होंगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली मिलते आपको चैनल लाइक सब्सक्राइब करना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।